हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल घर से पाठशाला। आज मैं आपको नैनीताल बैंक में जो प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लर्क की बेस पे वैकेंसीज आई हुई हैं उनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। इसमें जो वैकेंसीज आई हैं वो है प्रोबेशनरी ऑफिसर। ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसमें 75 पोस्टें यहाँ पर निकली हैं और जो क्लर्क बेस पे है वो है 80 पोस्टें। और जो इसकी मिनिमम एज है दोनों में 21 साल, और जो मैक्सिमम है प्रोबेशनरी ऑफिसर में 30 और जो क्लर्क है वो 28। जो इसमें में जो मिनिमम एज है वो तो दोनों में सेम है और मैक्सिमम प्रोबेशनरी में 30 है और क्लर्क में 28। जो इसमें इन्होंने बताया गया है अमाउंट ऑफ बॉन्ड, जो अमाउंट ऑफ बॉन्ड मतलब जो 2 लाख, ये 2 साल के लिए 2 लाख सैलरी रहेगी पर एनम, और जो इसमें 1.25 लाख फॉर 2 ईयर्स क्लर्क के लिए, इसका जो बॉन्ड पीरियड है वो 2 साल रहेगा दोनों का। और जो इसमें एजुकेशन मांगी गई है वो है प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए मांगी है फुल टाइम एंड रेगुलर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इनमें से, और विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे 50% मार्क्स मांगे गए हैं, और जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे होनी चाहिए। और जो प्रेफरेंस है वो कहा गया है इसमें, कैंडिडेट्स हैविंग 1 to 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन बैंकिंग फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशंस एनबीएफसीज विल बी गिवन प्रेफरेंस। जिनके पास जो एक्सपीरियंस होगा वो उनको प्रेफरेंस यहाँ पे मिलेगी। जो क्लर्क के लिए जहाँ पे मांगी गई है वो है फुल टाइम रेगुलर, जो भी है फुल टाइम या रेगुलर और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, इनमें दोनों में से विद मिनिमम 45% वो सेम है, लेकिन इसमें बस परसेंटेज का डिफरेंस है। यहाँ पे 45% मांगे गए हैं। जो प्रेफरेंस है वो भी सेम ही है, 1 to 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है, अगर आपको एक्सपीरियंस है देन आपको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। और जो नॉलेज है कंप्यूटर नॉलेज है इसमें भी चाहिए। और जो इसमें जो पे स्केल है उसमें पे स्केल में ये बेसिक प्रोबेशनरी ऑफिसर का पे स्केल है बेसिक 23,700, और जो इसका एनुअल रहेगा सैलरी वो 7 लाख। और जो क्लर्क है वो क्लर्क में बेसिक पे है 11,765, और जो इसका पर एनम रहेगा 3.70 लाख्स पर एनम। और जो इसका यहाँ पे इन्होंने बताया गया अंडर रिवीजन, यहाँ पे भी अंडर रिवीजन बताया गया है। इसमें जो आपकी सैलरी है वो 7 से 9 लाख तक भी हो सकती है, और यहाँ पे 5 लाख तक भी हो सकती है। और जो इसमें आगे बताया गया है, इसमें जो कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट द नेम एज अपियरिंग ऑन द कॉल लेटर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन शुड बी एग्जैक्टली मैच द नेम एज अपियर ऑन द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। जो भी आपका आप इसमें फॉर्म में जो भी नाम भरेंगे वो आपके आईडी प्रूफ जो भी हो लेके जाओगे आप, उस पर जो नाम होगा वो मैच करना चाहिए। यहाँ पे बताया गया हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे बताया गया कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स फॉर द गाइडलाइंस प्रोसीजर फॉर द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ फीस डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड। अपने जो रजिस्ट्रेशन करनी है, पेमेंट करनी है फीस की, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जो इसमें स्कैनिंग ऑफ कैंडिडेट्स जो बताया गया है, इनको कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करा, फोटोग्राफ सिग्नेचर और लेफ्ट थंब जो भी है इंप्रेशन वो अपलोड करना है। और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो भी आपने देनी है यहाँ पे इन्होंने बताया गया है, जो आपने ये सब आपने यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे आपने अपना नाम फिल करना है, और ये आपने नहीं लिखना है, बस अपना नाम फिल करके बाकी कॉपी पेस्ट करके रिटर्न में करके उसको स्कैन करके अपलोड कर देना है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं अप्लाई ऑनलाइन ऑनलाइन ओनली फ्रॉम, जो 29 अगस्त से इसकी पोस्टें शुरू हुई हैं, एक्टिव हुआ है लिंक अप्लाई करने के लिए 15 सितंबर तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आगे बताया गया है जो इसकी जो फीस है वो है एप्लीकेशन फीस प्रोबेशनरी ऑफिसर की है 2,000 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी, और जो क्लर्क की है 1,500 रुपये। और जो इसको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आप करेंगे वो है इनकी जो ऑफिशियल साइट है nainitalbank.co.in, जो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसको प्रोवाइड करवा दूंगा। और आपको इस यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर देनी है, और जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे स्कैन करके इसको अपलोड कर देना है। और जो इसकी गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई है ये आप थोड़ा सा रीड कर लेना है इनको एक बार, ताकि आपको इसकी पूरी क्लियरिटी आ जाए, डॉक्यूमेंट्स कितने साइज के होने चाहिए ताकि आप उसको अपलोड कर सकें। और इसमें आगे बताया गया है जो हैंड रिटन वो आपको बता ही दिया मैंने, जो वहाँ पे लिखा है भाई आपने आपको अपलोड करना है अपने हाथ से लिख के। और इसमें आगे दिया गया है इसमें चॉइस ऑफ सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, जहाँ पे चॉइस ऑफ एक सेंटर आपको चॉइस करने है एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे आपने एग्जाम देना है। यहाँ पे आपको 10 सेंटर्स बताए गए हैं, इन्हीं 10 सेंटर में से आपने चूज करना है। यहाँ पे बताया गया कैंडिडेट विल हैव टू चूज एनी 4 सेंटर्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस एंड कन्वीनियंस। यहाँ पे आपको 4 सेंटर चूज करने हैं जो भी आपके मतलब प्रेफरेंस होगी, जहाँ पर आप जाना आसान हो आपको, ठीक है गाइज। इसमें आपने चूज कर सकते हैं अपना सेंटर। और आगे इसमें बताया गया है इसमें जो सब्जेक्ट्स रहेंगे और कितने नंबर मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे वो यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे जो प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए है उसमें रीजनिंग रहेगी 60 नंबर क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर, और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60, और ड्यूरेशन रहेगी टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो
45 मिनट्स की, जो यहाँ पे हिंदी में पेपर नहीं होगा, ओनली इंग्लिश ही यहाँ पे रहेगा, इंग्लिश में ही आपको पेपर देना पड़ेगा सारा। इंग्लिश में भी 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 40 ही क्वेश्चन होंगे और 35 मिनट्स मिलेंगे आपको। जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है वो उसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के और 40 मिनट मिलेंगे आपको, और जनरल अवेयरनेस में 50 नंबर 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के ही होंगे और 25 मिनट मिलेंगे आपको इसके लिए। टोटल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 200 और मार्क्स रहेंगे 200, और टोटल आपको 145 मिनट मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए। और जो कलर का पेपर है उसमें रीजनिंग आएगा, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 40 और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 40, और 35 मिनट आपको इसके लिए मिलेंगे। जो इंग्लिश है उसके लिए 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स रहेंगे मैक्सिमम, और जो ड्यूरेशन रहेगी टाइमिंग की वो 35 मिनट्स रहेंगी। और जो जनरल अवेयरनेस है वो 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और जो 20 मिनट आप इसमें मिलेंगे। ये भी पेपर इंग्लिश में ही रहेगा, हिंदी में आपको नहीं मिलेगा, ओनली इंग्लिश में ही आपको ये पेपर देना पड़ेगा। कंप्यूटर नॉलेज है उसमें भी 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, और जो 20 मिनट आपको इसको करने के लिए मिलेंगे। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स के होंगे और 35 मिनट्स मिलेंगे आपको इसको करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 200 और जो मार्क्स रहेंगे 200, और जो ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग रहेगी वो 145 मिनट रहेगी। इसमें बताया गया पेनल्टी ऑफ द फोर रॉन्ग रन्स फॉर द प्रोबेशनरी और क्लर्क। इसमें जो अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके एक क्वेश्चन के पीछे गलत होता है ना, आपको 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, और जो सही है उनमें से भी जो गलत हुआ है और जो सही है उनमें से 0.25 मार्क्स आपके पर एक क्वेश्चन गलत होने पे कट हो जाएंगे। और नंबर ऑफ चॉइसेस रहेंगे आपके, ऑप्शंस रहेंगे 5 ऑप्शंस रहेंगे हर क्वेश्चन में, और इसमें आगे बताया गया है इसकी जो एग्जाम्स डेट है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं लास्ट में। कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है वो 29 अगस्त 2020 को हुई है, और जो क्लोजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन है वो 15/9/2020 है, और जो ऑनलाइन फीस पेमेंट है वो है 29/8/2020 से लेके 15/9/2020 के बीच बीच में आप इसकी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, आप इस वैकेंसी को फिल कीजिए अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं आपके पास पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।